सूचना और पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार सिंह ने आज शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी उमेश कुमार सिंह, एसपी सिटी दिनेश सिंह, एसपीआरए विश्वजीत श्रीवास्तव और सीओ महेश कुमार ने थाना प्रांगण पहुंचकर जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण के बाद थाना इंचार्ज विजेंद्र कुमार राणा ने कोतवाली परिसर में बने सभी कार्यालयों का निरीक्षण कराया। आला अधिकारियों ने कोतवाली के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए कोतवाली प्रभारी को बधाई दी और सौंदर्यकरण में सहयोग देने वाले लोगों का भी आभार जताया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आपकी फोटो नहीं आ गया, चलिए एक ही हटाते हैं। ये दादा रे बहुत अंधविश्वास बनाए कि लोग कैटे सामने लगाए सब और क्या बनाए रे प्रोग्राम जिलों में पेश करते, यहाँ हालत बहुत खराब थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने यहाँ के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि भाई ये जो भवन और जो व्यवस्थाएं यहाँ अधिकारी कर्मचारीगण के लिए, आम जनता के लिए सुविधाओं का बहुत अभाव महसूस उन्होंने किया और महसूस करके ये निर्देशित किया कि इस कोतवाली शहर को सुधारा जाए, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। प्रभारी निरीक्षक श्री विजेंद्र पाल राणा 2 जून 2018 को जिन्होंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया, उनकी टीम क्षेत्र अधिकारी नगर श्री महेश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और मैं आभार व्यक्त करूंगा इस मौके पर उन तमाम जनता के, हमारे सम्मानित लोगों का। पुलिस अधीक्षक महोदय, ये जनपद बिजनौर एक ऐसा जनपद जिन्होंने हमेशा पुलिस को पूरा सहयोग देने का काम किया। आदरणीय सम्माननीय हमारे नागरिकगण, इस जनपद के पत्रकार बंधुओं, आपने आज दिल खोल करके यहाँ पे जो बातें कही हैं तो कुछ ज्यादा ही कह दी हैं, उतनी तो तारीफ के काबिल हम लोग नहीं हैं। और आपके सहयोग से इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी आपने हमारे मान सम्मान में शॉल भी दी, तो थाने पे इतना सहयोग करने के बाद अभी शॉल देने का आपका मन रह गया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का सम्मान भी किया। ये तो हमारा काम था कि आपको सम्मान कर देते इस आपके सहयोग के लिए, तो कोतवाल साहब को चाहिए था कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्रिय योगदान दिया है उनको कुछ पुष्प गुच्छ या शॉल भेंट दिया जाता, लेकिन आपने उल्टा हमारा सम्मान किया, तो चलिए ये उल्टी गंगा बह रही है। और जो तारीफ आपने की है, निश्चित रूप से हर इंसान में, हर समाज में और हर घर में कुछ अच्छी बात होती है, कुछ बुरी बात होती है। अगर सारी अच्छी हो जाएंगी या सारी बुरी हो जाएंगी तो एक 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 चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर अच्छी है तो बुराई होती है, बुरा जब रहता है तभी अच्छे का भान होता है, पता लगता है। तो उसी तरह से हमारे विभाग में भी हैं, अभी पीछे कुछ बदमाशों ने आतंक मचा रखा था और ख़ास तौर से आपके जनपद में एक आदित्य नाम का बदमाश है जो जेल में है, लेकिन उसने एक नई यहाँ पे मुजफ्फरनगर या मेरठ की तरह गैंग बनाना शुरू कर दिया था, तो समय रहते उसका भी इलाज हो गया है और उसको हम लोग ने उसका पूरा गैंग रजिस्टर करा रहे हैं, उसका जितना भी अभिलेखीकरण है वो सब कुछ हो रहा है, जिससे कि आगे भविष्य में यदि कुछ करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी धारा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।